स्टूडेंट्स नाउ बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7. सो फर्स्ट इज टेक द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रोज इन वाटर. इसमें से कौन से प्लांट्स वाटर में ग्रो होते हैं. नीम, डकवीड, कैक्टस या पाइन ट्री. सो स्टूडेंट दीज थ्री ग्रोज इन प्लेन्स. डकवीड इज द प्लांट ग्रोज इन वाटर. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बियर्स कोन्स. हमने पढ़ा था कोन्स माउंटेन प्लांट्स में होता है एंड पाइन इज अ प्लांट दैट ग्रोज इन माउंटेन. देन वी हैव थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अंडर वाटर प्लांट. सो स्टूडेंट्स पोंड वीड इज एन अंडर वाटर प्लांट. ब्रीदिंग रूट्स आर फाउंड इन कौन से ट्रीज में ब्रीदिंग रूट्स होती हैं. मैंग्रोव ट्रीज में और ये मार्शी एरियाज में मिलते हैं. नीडल लाइक लीव्स आर फाउंड इन प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन माउंटेन्स. नीडल लाइक लीव्स जो होती हैं कौन से प्लांट्स में मिलती हैं जो माउंटेन में ग्रो होते हैं. स्टूडेंट्स देन वी हैव राइट ट्री फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. फॉर एंड पाइन ट्रीज ग्रोज ऑन माउंटेन्स. येस इट इज ट्रू दीज बोथ दीज ट्रीज ग्रोज ऑन माउंटेन्स. Leaves of a cactus plants are reduced to spines. Yes, leaves of cactus plant are reduced to spines. It is true. Duckweed and lotus are fixed plants. No, duckweed and lotus are not fixed plant. Lotus is a fixed plant, not duckweed. Leaves of a lotus plant are broad and float on water. Yes, हमने पढ़ा था जो lotus plant की leaves होती हैं वो broad होती हैं और water पर float करती हैं. Non-green plants have chlorophyll. No, जिस प्लांट में क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन होता है. अगर प्लांट ग्रीन नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं है. इट इज फॉल्स. देन वी हैव नेम द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट ग्रोज इन प्लेन्स. सो स्टूडेंट्स नीम एंड पीपल. ओके यू कैन राइट सेल सम मोर एग्जाम्पल्स आर देयर बट यू हैव टू राइट ओनली टू. सो नीम एंड पीपल. टू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स Venus flytrap and pitcher plant. Very important, okay? The season in which plants growing in plain shed their leaves. कौन से plants plain में grow होते हैं वो अपनी leaves कब गिराते हैं कौन से season में. Autumn season में. Okay? Autumn season में सारी leaves गिर जाती हैं and spring season में वापस आ जाती हैं. Two examples of underwater plants. Underwater plant के examples. So it is tape grass and pondweed. The structure that bears seeds in plant growing in mountain. Cones होता है बेटा. Cones में seeds होते हैं उन plants में जो mountains में grow होते हैं. Okay students, so for today revise your chapter, read your chapter carefully, watch the video and complete your book exercise and learn it also. Thank you so much. Have a nice day.